अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको C3। सबसे पहले फोन को साइड में रखते हैं और ये पिन है या कुछ डॉक्यूमेंट से। चार्जर हम लोग को देखने को मिल जाता है 10 वॉट का। अभी हम लोग को माइक्रो या USB केबल देखने को मिल जाएगा, तो ये सब हम लोग बाजू में रखते हैं और फोन को हम लोग निकाल लेते हैं। तो फोन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके का आप लोगों को दिख जाएगा। डिजाइन काफी ज्यादा अच्छे डिजाइन है इसकी, और आधी ऊपर की प्लेन है और आधी यहाँ पे पूरे टेक्सचर जैसे डिजाइन है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को 3.5 जैक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर है और माइक्रो USB है, यहाँ पे माइक्रोफोन है, यहाँ पे टीम सिरे मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए, और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम बटन है, और यहाँ पे पावर ऑफ ऑन बटन है। तो डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। डिस्प्ले हम लोगों को 6.53 इंच का LCD पैनल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये HD+ है। और UI की बात करो तो इसमें आप लोगों को MIUI 12 देखने को मिल जाएगा, और ये Android 10 पर ये रन कर रहा है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और मैं कैमरे की बात करूँ तो इसमें आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत खास बात है। 7,500 में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा कोई भी मोबाइल नहीं देता, वो को दे रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप लोगों को यहाँ पे मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मैक्रो सेंसर, और 2 मेगा का आप लोगों को डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की मैं बात करूँ तो फ्रंट आप लोगों को 5 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। और प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो इसमें आप लोगों को MediaTek का Helio G35 देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है। आप लोग लो ग्राफिक में आप लोग PUBG भी खेल सकते हो और Call of Duty भी खेल सकते हो आराम से। और इसमें सारे सिक्योरिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और बैटरी आप लोगों को इसमें 5000 mAh की देखने को मिल जाएगी बैटरी, और आप लोगों को 10 वॉट का फास्ट चार्जर, 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर आप लोग 3 GB 32 GB आप लोगों को 7,500 का पड़ जाएगा, जो कि अभी काफ़ी अच्छी बात है। इसमें पोको दे रहा है तो उसमें डिज़ाइन को लेके बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल जाती है। अभी ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं है देगा आप लोगों को इतनी सारी वो ऑलराउंड मोबाइल। और आप लोगों को 4 GB 64 GB वाला आप लोगों को वेरियंट 9,000 में पड़ जाएगा, 3 GB 32 GB आप लोगों को 7,500 में पड़ जाएगा। तो ये भी ऑल ऑफ काफ़ी अच्छा मोबाइल है, मैं आप लोगों को रिकमेंडेड कर सकता हूँ। ये वाला मोबाइल काफ़ी अच्छा मोबाइल है। वेट इसका आप लोगों को मिल जाएगा 200 ग्राम के आसपास, और एंटीटू स्कोर की बात करूँ तो आप लोगों को 1 लाख के आसपास एंटीटू स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। और गेम में आप लोग नॉर्मल गेम काफ़ी अच्छे से आप लोग चला सकते हो, इसमें कोई आप लोगों को वो हैंग देखने को नहीं मिलेगा। बाकी तो मैंने आप लोगों को सारे फीचर्स सब बता दिया हूँ, तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी आप लोगों को ऐसी अनबॉक्सिंग देखने का है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।